हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पूजा तिवारी ब्लॉग्स पर। सो गाइस, सुबह का टाइम है, आप सभी को हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। सो देख सकते हैं मेरा घर पूरा उथल पुथल हो रखा है और मैं नहा धो चुकी हूँ, पूजा पाठ मेरा हो चुका है। मैं चल रही हूँ नाश्ता बनाने और मेरे घर की हालत खुश है। और ये देखिए हमारा किचन विचन सब टूट गया है, बस किचन बनवाना है। वो तोड़ मोड़ के सब गए हैं, अभी आके बनाने वाले हैं। पूरा किचन का हुलिया कुछ इस तरीके से है गाइस, बहुत ही गंदा लग रहा है ना, मगर बन जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मेरा किचन, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में बताया था, टूट गया था थोड़ा सा, उसका साइड का जो होता है पत्थर वो टूट गया था, तो हमने पूरा उखड़वा दिया है, वापस न्यू बनवा देंगे, पूरा एक बार कंप्लीट करवा देंगे। और देखिए कुछ इस तरीके से एकदम घर की स्थिति इस समय बहुत ही ज़्यादा उजड़ी उजड़ी सी है। पर्दे वगैरह सब निकाल दिए हैं और हम लोग ऊपर शिफ्ट हो गए हैं, ऊपर ही रहना खाना सब है, तो बस यही सब चल रहा है। और बाहर तोड़ तोड़ के वो सब रख दिया है उन लोगों ने, आपको दिखाती हूँ। देखिए बाहर सब तोड़ के दरवाजे पे इकट्ठा कर दिया है, बाद में वो सब सेटअप करना है। और मैं चल रही हूँ नाश्ते की तैयारी करने, मुझे लगा वीडियो स्टार्ट कर देना चाहिए, तो मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है। और देखिए सीढ़ियों पर भी थोड़े से सामान रख दिए हैं गाइस, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं एक बार घर में कुछ तोड़ फोड़ हो जाती है तो सब इधर का उधर हो जाता है, फिर हमें बहुत मैनेज करना पड़ता है। और मेरी बेटियाँ मेरा काफ़ी सपोर्ट करती हैं। देखो इधर भी सब सामान रखा गया है, एक्वागार्ड की मशीन वगैरह सब निकाल दिया है। और मैं आ गई फाइनली ऊपर रूम में, यहीं पर बनाऊँगी मैं नाश्ता। मुझे बैठने के लिए पीढ़ा दे दो। और इस समय मैं बैठ कर नाश्ता बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो एक बार बच्चों ने सुबह देखिए चाय ब्रेड खा लिया है और अभी हम खमन मंगाएंगे और उसके बाद फिर दे दो, थैंक यू। इसको थोड़ा सा धुल के लाओ बेटा। और ये देखिए हमारी राम कुटिया की गैस, गैस यहाँ धुल के लाओ। और ये देखो यहाँ पर सारे सामान रख दिए हैं और नीचे बैठ के बना रही हूँ, क्योंकि गाइस किचन टूट गया है और हम लोग ऊपर रूम में शिफ्ट हुए हैं, तो आप लोग देख ही सकते हैं थोड़ा मैनेज करना पड़ेगा। फिर धीरे धीरे बोले हैं 4-5 दिन, मतलब 5 दिन जैसा लग जाएगा बढ़ने में, फिर उसके बाद हम लोग अपने किचन में काम करेंगे। तो यहाँ पर रहा खमन, इसको मुझे वगार करना है। और मेरी रही कढ़ाई, अब मैं गैस ऑन कर लूँगी, उसके बाद कढ़ाई में डाल देंगे हम तेल। तो मैं रिफाइंड तेल डालूँगी और बिटिया रानी मेरी काफ़ी मदद करूँगा इसे। देखो सच में बच्चे काफ़ी हेल्प कर देते हैं, थोड़ा सा भी हेल्प कर देते हैं तो ऐसा लगता है बहुत हेल्प कर दिए। मेरी बेटियाँ मेरा थोड़ा सा भी हेल्प करती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और हमें नाश्ते में खमन वगैरह कर लूँगी, उसके बाद बच्चों को नाश्ता दे दूँगी। और बस यही चल रहा है आजकल वीडियो में, बताइएगा ज़रूर छोटा सा वीडियो कैसा लगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊँगी नहीं तो आप लोग बोर हो जाते हैं, वीडियो को फुल वॉच नहीं करते हैं। तो मिलेंगे न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।